ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुरादाबाद महानगर अध्यक्ष हाजी वकील रशीद एडवोकेट, प्रदेश संयुक्त सचिव जकीर रायनी, प्रदेश महासचिव इतिशाम मंसूरी, संभावित प्रत्याशी वार्ड 41 नदीम सैफी, शब्बू खान, अबरार हुसैन, आसिफ हुसैन के साथ मुरादाबाद महानगर के वार्ड 41 सीधी सराय में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने AIMIM पार्टी की नीतियां बताई एवं बैरिस्टर ओवैसी एवं प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली के पैगाम को आमजन तक पहुंचाया। इमरान शमसी उर्फ पर्रू को वार्ड अध्यक्ष 41 व मोहम्मद बिलाल को महानगर सचिव का मनोनयन पत्र महानगर अध्यक्ष हाजी वकील रशीद ने दिया। मीटिंग का आयोजन वार्ड 41 के संभावित प्रत्याशी नदीम सैफी ने किया। वार्ड पार्षद प्रत्याशी घोषित होने के बाद इमरान शमसी ने महानगर अध्यक्ष के साथ सभी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आगामी नगर निगम चुनाव में वे पूरी मेहनत व जी जान के साथ चुनाव लड़ेंगे और लोगों के बीच रहकर लोगों की पूरी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए हर समय हाजिर हूं। MIM पार्टी को वोट करेंगे और आप सभी बड़े लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरा साथ दें और MIM पार्टी के साथ जुड़े। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष हाजी वकील रशीद ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मुसलमानों के लिए अगर कोई पार्टी है तो वह AIMIM पार्टी है, बाकी पार्टियां मुसलमानों का वोट ले जाती हैं और मुसलमानों को गुमराह करने का काम करती हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की जबान है और वह मुसलमानों का दर्द समझते हैं। ये वार्ड 41 है सीधी सराय, यहाँ पर महानगर कमेटी का प्रोग्राम था जिसमें वार्ड अध्यक्ष की मनोनीत किया गया है और महानगर सचिव को मनोनीत किया गया है। वार्ड अध्यक्ष के नहीं पर रू भाई हमारे उनको बनाया गया है वार्ड अध्यक्ष यहाँ का वार्ड 41 का, और बिलाल साहब को महानगर सचिव की जिम्मेदारी दी गई। क्या कहना चाहते हैं, कैसा सहयोग मिला? देखिए अब तो शुरुआत हो चुकी है, अब बदलाव की शुरुआत हो चुकी है, लोगों ने पूरा जोर लगा के देख लिया था, अब सबकी समझ में आ रहा है। लोग हमें खुद सब जगह खुद बुला रहे हैं, अपनी मोहब्बत से नवाज रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर हम पहली बार आए हैं और पहली बार में इतना अच्छा माशाल्लाह प्रोग्राम हुआ, इतने लोगों ने सुना, हमारी बात समझी, तो लोगों की समझ में आ रही है कि दूसरी जगहों पे वोट देकर फ़ायदा नहीं है, अब अपना घर बनाना है, अपनी कयादत खड़ी करनी है। क्या अपील करना चाहते हैं लोग आपसे जुड़े आपकी पार्टी? मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि आपने सबको आजमा के देख लिया, 70 सालों से सबको आजमाया, एक बार अपने भाई को आजमाइए, असदुद्दीन ओवैसी को आजमाइए। ठीक।